अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक से होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हमने लिया है दूध, जो कि क्वान्टिटी में आधा लीटर है, और एक नींबू के रस को निचोड़ लिया है। अब उसे हम धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे और मिक्स करते रहेंगे, और गैस के बर्नर को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे मिक्स करते करते इसको चलाते रहना है, और बर्नर को भी मीडियम फ्लेम पे रखना है। और ये दूध एकदम छेने में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ताकि इसमें नींबू की कोई स्मेल और कोई टेस्ट ना आए। अब लगभग एक घंटे के लिए हम इसे सोले पे लटका देंगे, ताकि इसमें से पानी सारा नीचे उड़ जाए। अब इसे हम एक परात में डाल देंगे और इसको अपने हथेलियों की मदद से रब करेंगे, और तब तक रब करेंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना होने लगे। और इसमें मिक्स करेंगे हम बाइंडिंग के लिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। में तैयार करनी है चाशनी, पतली ज़्यादा गाढ़ी नहीं। और उसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी पानी, और उसी कटोरी के मेजरमेंट से 1 कटोरी चीनी, और उसी में हम मिक्स कर देंगे। और ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं तैयार करनी है। और जब चाशनी में उबाल आने लगे, तो हमें एक छोटी सी बॉल तैयार करनी है छेने वाली, और उसमें चेक करने के लिए डाल देना है। जो बॉल हमने डाली थी वो अभी साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है, और लगभग तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो इसे हम 1 मिनट के लिए और इसी में ढककर पकने देते हैं। अब हम बाकी बची छेने को भी इसी में धीरे धीरे करके डाल देंगे, ताकि ये टूटे नहीं। और छेने की बॉल बनाने में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है इसको अच्छे से मिक्स करना, नीट करना, और उसमें बाइंडिंग के लिए कुछ मैदा या कॉर्नफ्लोर ज़रूर मिक्स करना। अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, और इसके ऊपर डालने के लिए रबड़ी तैयार करेंगे। और उसमें चाहिए हमें 3 टेबल स्पून चीनी, और उसे दूध में मिक्स करेंगे, और उसमें डालेंगे 1 इंच फूड कलर, और उसको थिक होने देंगे। तो अब बस अब होती है हमारी मेहनत ख़त्म। अब हमने इसे अच्छे से अरेंज कर लिया है, और उसके ऊपर से डालेंगे रबड़ी, और हम तैयार करेंगे अपना फाइनल प्रेजेंटेशन। और इसके ऊपर डालेंगे कुछ कतरन पिस्तों की अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।